हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निचुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ रु अकाउंट असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट पोस्ट रो वैकेंसी बाहर थला, तार एबे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी। यही पोस्ट को आपन ऑनलाइन अप्लाई केमिति करिवे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन बतेबी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल नुवा छथि, ए चैनल को सब्सक्राइब करनियो तो बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु न। चलंतु ए पोस्ट को आपन केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड, ये जो देखुंत e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पहुंची पारे। ना आप गूगल में सर्च करेंगे e-niyukti.in जो वेबसाइट आप प्रथम आसो से वेबसाइट क्लिक कर पोस्ट में पहुंची पारे। यहाँ शो कर OFDC रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन शो कर सब पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, ऑनलाइन अप्लाई केबे स्टार्ट, लास्ट डेट केबे रहइबो, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही, एग्जाम कमी आस डिटेल्स आपने चेकआउट करेंगे। आप विषय डिटेल्स जानक चाहते चैनल डिटेल्स वीडियो अच्छी आई बटन तर लिंक सबको चेकआउट करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही है, आर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भर रिलोड करेंगे। जदि आप पोस्ट को अप्लाई करने एलिजिबल होते अप्लाई लिंक शो कर आरपे क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर यह पेज आप ओपन हो शो कर OFDC कैरियर आप शो कर करेन्ट जब सब जब आप ऑनलाइन अप्लाई चली एठा आप मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन दरकार, एक्सपीरियंस कौन दरकार, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट देखिए आप चेकआउट करेंगे। ये आप इंस्ट्रक्शन देखिए इंस्ट्रक्शन भल भाव पढ़ी पारे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ी पारे, जॉब डिटेल्स भी आप देखिपारे। ये आप एक्सपीरियंस देखिए ये जो तीन टा पोस्ट रही अकाउंट असिस्टेंट आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप एक्सपीरियंस मांगी आउ जो दुटा पोस्ट रही फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 2 फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 जो दुटा पोस्ट रही आप फ्रेशर पे अप्लाई करेंगे। जो क्वालिफिकेशन रखाई है ग्रेजुएट इन साइंस BSc आप एग्रीकल्चर करते ना फॉरेस्ट्री करते आप अप्लाई करेंगे। सेकंड जो पोस्ट रही फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 जो पोस्ट रही प्लस 2 साइंस करते आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे। सब रजिस्ट्रेशन करा अच्छी क्लिक हेटू एनरोल पर आप क्लिक करेंगे। एनरोल पर क्लिक कला पर आप डिक्लेरेशन पेज टाइप आसो, डिक्लेरेशन भल भाव पढ़ने डिक्लेरेशन सब डिक्लेरेशन आप टिक करने आप प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक कला आप एनरोलमेंट पार्ट 1 फॉर्म रे आपण रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपण ओपन हो नेम रे आपण फुल नेम जहाँ आप 10 सर्टिफिकेट जहाँ आप फुल नेम रही फुल नेम आप एंटर करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे फुल नेम आप एंटर करेंगे। फादर्स नेम देते कैटेगरी आप कौन रही SC अनरिजर्व ST SC BC जहाँ आप कैटेगरी रही आपण हिसाब से आप कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप कैटेगरी पे रिजर्व अच्छा कास्ट पे रिजर्व होता है आप अपलोड आफ्टर एनरोलमेंट एनरोलमेंट पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करा पड़े आप लेटर देखिए आप चेकआउट करेंगे। जेनर आप कौन रही मेल फिमेल जहाँ आप जेनर रही जेनर आप सिलेक्ट करेंगे। आर वे पीडब्ल्यू कैंडिडेट विथ मोर दैन 40% एलिजिबिलिटी आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते आप डिजेबिलिटी पर्सन आप 40% एबव अच्छी आप एस पर क्लिक करेंगे। एस पर क्लिक कला आप डिजेबिलिटी कौन अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। आप पीडब्ल्यू कैटेगरी हिंदी देते आप नो पर क्लिक करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन आप एस नो आप करेंगे। एक्सपर्ट आप एस नो आप करेंगे। हाव यू वर्क विथ OFDC डायरेक्टली और थ्रो एनी आउटसोर्स एजेन्सी आप OFDC आप कम कर डायरेक्टली आप कम कर आउटसोर्स एजेंसी थ्रो आप कंट्राक्चुअल कि आप एजेंसी थ्रो आप कम करते कम करते हैं ये सब क्लिक करेंगे। जब करेंगे नो पर क्लिक जब ये सब क्लिक करते डिटेल्स आप भरेंगे। जब आप करेंगे नो पर आप क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट मंथ ईयर आप चूज करेंगे। जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट मंथ ईयर आप चूज करेंगे। इमेल एड्रेस जहाँ आप इमेल एड्रेस वैलिड इमेल आईडी आप एंटर करेंगे। इमेल आईडी भरेंगे। इमेल आईडी भर सारा आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक कला आप ओटीपी आप इमेल आईडी ओटीपी गला आप ओके पर क्लिक करेंगे। ये आप जो इमेल आईडी ओटीपी जाए ओटीपी आप एंटर करेंगे। आप सबमिट कर इमेल आईडी आप वेरीफाई करने आप मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। जहाँ आप मोबाइल नंबर अच्छे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर कर सारा आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक कला आप मोबाइल नंबर आप ओटीपी जीव ओटीपी एंटर करेंगे। आप सबमिट पर क्लिक कमिट पर क्लिक कला आप मोबाइल नंबर आप वेरीफाई आप ग्रीन टी आसगला अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दौरान दे पारे ब्लैंक छाड़े टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया आप ओडिया कही पार्टी पढ़ी पार्टी लिखी पार्टी एम स्कूल स्टैंडर्ड आप कि आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड ओडिया लांगुएज सब्जेक्ट पास रखी आप इसे क्लिक करेंगे। मेरिट लिस्ट आप कौन रही मैरिड अनमेरिड जहाँ आपको अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पे आप आधार कार्ड देपारे पैन कार्ड देपारे वोटर कार्ड देपारे पासपोर्ट देपारे ड्राइविंग लाइसेंस देपारे आदि आप जहाँ आप देपारे जो आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट करते हैं से आईडी प्रूफ नंबर आप एंटर करेंगे। कम्युनिकेशन आड्रेस ये आपको प्रेजेंट आड्रेस आप भरेंगे। आड्रेस लाइन 1 आप 8 पोस्ट ईस्ट आप सब भरेंगे। सिटी लोकेशन आप एंटर करेंगे। जहाँ आप पिन रही पिनकोड आप एंटर करेंगे। आपको स्टेट आप ओडिशा स्टेट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप कौन रही है आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ परमानेंट आड्रेस भर अच्छी ये आज शो कौन डेट में इफ सेम आज कम्युनिकेशन आड्रेस प्लीज चेक इन द चेक बॉक्स आप जो आप कम्युनिकेशन आड्रेस प्रेजेंट आड्रेस भले परमानेंट आड्रेस सेम अच्छे ये बॉक्स टिक करदे दुटा आड्रेस सेम हो अलग अलग अच्छे टिक करेंगे परमानेंट आड्रेस आउ थे भरवे नेशनालिटी आपनेसनालिटी रोज आपड़ी अंडर टेकिंग पॉइंट ने टिक करेंगे आपड़ी सबमिट उपरे क्लिक करेंगे सबमिट उपरे क्लिक कलापर जहाँ जहाँ रजिस्टर नहीं भले प्रिव्यू हो भल आस चेकआउट करेंगे जब आप सब ठीक ठाक भरते हैं सबमिट कन्फर्म उपरे क्लिक करेंगे जब आप किसी भूल भाल करते बैक जाए एडिट करेंगे सब ठीक ठाक भरते कन्फर्म उपरे क्लिक करेंगे कन्फर्म उपरे क्लिक कलापर आपड़ी सक्सेसफुल मेसेज आप शो कर थैंक फर एनरोलमेंट विथ ओएफडीसी योर लॉगिन डिटेल्स हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल प्लीज चेक योर ईमेल मोबाइल फर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपंकर मोबाइल नंबर और इमेल आईडी आप लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड आप जाइए चेकआउट करने लॉगिन आपड़ी क्लिक करें लॉगिन उपरे क्लिक कलापर आपड़ी लॉगिन पेज आपड़ी ओपन हो यूजर जहाँ आप मोबाइल नंबर कि आप इमेल आईडी आप जहाँ यूजर आईड जाए थोड़ा यूजर आईडी आप एंटर करेंगे जहाँ आप पासवर्ड शो करते पासवर्ड जाए पासवर्ड एंटर करेंगे कैप्चा देखते कैप्चा देखते कैप्चा फिलअप करेंगे तरह लॉगिन उपरे आपड़ी क्लिक करें लॉगिन उपरे क्लिक कलापर आपड़ी अकाउंट लॉगिन हो ना आप शो कर माय प्रोफाइल प्रोफाइल फास्ट आपड़ी कंप्लीट करेंगे आप नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जहाँ भरते हैं शो को क्लिक अपलोड टू फोटो ये फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे ताजो साइज रहा दरकार 50 KB 100 KB साइज रहा दरकार जेपीजी ना जेपीजी फॉर्मेट रहा दरकार क्लिक टू अपलोड फोटो पर क्लिक करें फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जमी आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे सिग्नेचर जो साइज रहा दरकार 20 KB 50 KB सिग्नेचर साइज रहा दरकार शो को पैन कार्ड नंबर जहाँ आप आईडी प्रूफ जहाँ देते पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ देते हैं शो कर ये आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे जहाँ आप आईडी प्रूफ देते हैं आईडी प्रूफ्र डिटेल्स आपड़ी अपलोड करेंगे फ्रंट पेज अपलोड करेंगे तार साइज रहा दरकार 100 KB 200 KB भर में पीडीएफ फॉर्मेट रहा दरकार चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपड़ा फाइल सिलेक्ट करेंगे अपलोड पर क्लिक करेंगे अपलोड करेंगे तापर रही है आपको कैटेगरी आप कैटेगरी निजोग थे ये ऑप्शन आसिब एससीबीसी एससी एसटी आपड़े कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपड़ी आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट साइज रहा दरकार 100 KB 200 KB कास्ट सर्टिफिकेट साइज रहा दरकार पीडीएफ फॉर्मेट रहा दरकार ये शो कौन सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ये सर्टिफिकेट आपड़ी अपलोड करेंगे एचएससी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपड़ी अपलोड करेंगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास आपको एग्जाम पास करते एग्जाम्पल आप एचएससी रही है टेन्थ रही है आप बोर्ड कौन रही बोर्ड आप बीएससी ओडिशा कि आप आउ जहाँ रही बीएससी ओडिशा आपड़ी बोर्ड आपड़ी एंटर करेंगे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट आप स्कूल नेम कौन रही स्कूल नेम आप एंटर करेंगे मंथ ऑफ पास कौन मंथ में पास आउट हेल्ले मंथ आपड़ी सिलेक्ट करेंगे आप सर्टिफिकेट आप मेंशन थे कौन मंथ में आप पास आउट हेल्ले मंथ सिलेक्ट करेंगे कोई ईयर आप पास आउट हेल्ले आप ईयर आपड़ी सिलेक्ट करेंगे आटा सर्टिफिकेट आपड़ी टेन्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे ताजो साइज रहा दरकार 100 KB 200 KB आप साइज रहा दरकार पीडीएफ फॉर्मेट रहा दरकार फाइल पर क्लिक करें आपड़ी सर्टिफिकेट आपड़ी अपलोड करेंगे सब आप अपलोड कर सारापर आपड़ी व्यू शो करेंगे व्यू पर क्लिक करें आप देखिए प्रिव्यू आप ठीक से क्लीयरली विजिबल होती आप व्यू पर क्लिक कर देखिए जब आप क्लीयरली विजिबल होने डिलीट पर क्लिक करें आउे आप अपलोड करेंगे सब सर्टिफिकेट जहाँ आप अपलोड करेंगे प्रिव्यू देखने अंडरटेकिंग रही है अंडरटेकिंग पढ़ी ने आप सबमिट डिटेल्स आपड़ी क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आपर प्रोफाइल आउ थे आप प्रिव्यू हो जहाँ जहाँ आप सब भले जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स सब आप अपलोड कले सब आप प्रिव्यू हो भल आस चेकआउट करेंगे जदि आप किसी भूल भाल करते ये आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे आप मॉडिफाई करेंगे जब आप सब ठीक ठाक बढ़ते अंडरटेकिंग टिक करेंगे आप कन्फर्मेशन सबमिशन ऑफ डिटेल्स आपड़ी क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप ग्रीन शो कर सक्सेस डॉक्यूमेंट कन्फर्म हो गला नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब आप जॉब पे आप अप्लाई करेंगे अप्लाई फॉर जॉब आप शो कर क्लिक कर अप्लाई फॉर जॉब उपरे क्लिक कलापर करेंट जॉब जहाँ आप रही करेंट जॉब आप शो कर अकाउंटेंट असिस्टेंट ग्रेड 2 शो कर असिस्टेंट ग्रेड 3 शो कर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप शो कर फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 2 सेक्शनल सुपरवाइजर शो कर फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 आप शो कर सब एक्सपीरियंस रही है भल भाव में क्वालिफिकेशन भल भाव देखने एक्सपीरियंस भी आप भल भाव देखने जो पोस्ट में अप्लाई करा चाहते से पोस्ट अप्लाई उपरे क्लिक करेंगे अप्लाई उपरे क्लिक कलापर जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप भरते हैं एनरोलमेंट करेंगे आप सब प्रिव्यू हो भल भाव चेकआउट करेंगे तौर तक आप स्क्रॉल करेंगे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भरेंगे टेन्थ डिटेल्स आप भरी ना इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर आप टेन्थ डिटेल्स आप भरी ना जहाँ तरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही आप फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 2 पर आप अप्लाई करेंगे आप ग्रेजुएट इन साइंस एग्रीकल्चर ना आप फॉरेस्ट्री आप ग्रेजुएट होता दरकार जब आप फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 पे अप्लाई करते हैं प्लस टू साइंस पास आउट होगा दरकार से आप जो पोस्ट सिलेक्ट करेंगे अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी भरिया को ऑप्शन आसो यहाँ आप फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 2 पे अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट इन साइंस आप शो कर एग्रीकल्चर शो कर फॉरेस्ट्री शो कर डिटेल्स आप भरेंगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन फास्ट आपको एग्जाम पास करते
बीएससी कि आपंकर एग्रीकल्चर सैंस करते कि फर्स्ट करते आप जहाँ करते हैं सिलेक्ट आपड़ी एंटर करेंगे जहाँ आप बीएससी करते हैं बीएससी आप एंटर करेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आप यूनिवर्सिटी आप कौन था यूनिवर्सिटी नेम आप एंटर करेंगे स्कूल कॉलेज नेम आप कॉलेज नेम कौन रही कॉलेज नेम एंटर करेंगे मंथ ऑफ पासिंग केवे आप पासआउट हेल्ले मंथ आप सिलेक्ट करेंगे कोई ईयर आप पासआउट हेल्ले ईयर आप सिलेक्ट करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ विद इन 100 केबी टू 200 केबी आप जो अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट 100 केबी टू 200 केबी तरह साइज रहा दरकार पीडीएफ फॉर्मेट रहा दरकार चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे टोटल अमाउंट टू पे आप कैटेगरी हिसाब से आपको कितना अमाउंट पे करा आप शो करेंगे डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे आप कन्फर्म एप्लीकेशन पर क्लिक एप्लीकेशन पर क्लिक कला जहाँ जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में भरले फोटो सिग्नेचर आप शो करते सर्टिफिकेट जो आप एंटर कले आप अपलोड कले शो करते व्यू पर क्लिक आप चेक आउट करेंगे कत अमाउंट पे आप शो करते जब आप किसी भूल फल कर मॉडिफाई पर क्लिक कर मॉडिफाई करेंगे एडिट करेंगे जब आप सब ठीक ठाक करते पे ऑनलाइन एंड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे क्लिक कला आप पेमेंट करेंगे ऑप्शन आसो बिलिंग इनफर्मेशन आप शो करेंगे आप आपर एड्रेस फोन नंबर आपंकर इमेल आड्रेस आप शो करेंगे तल उपर आप स्कोल करेंगे आप रही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग कैश कार्ड वॉलेट यूपीआई थ्रू आप पे करेंगे जो ऑप्शन स्टोर से ऑप्शन आप चूज करेंगे जब आप डेबिट कार्ड चूज करते हैं कार्ड और डिटेल्स आप भरेंगे मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पर क्लिक कला आप पेमेंटा वेरीफाई हम पेमेंट वेरीफाई आप पेमेंट सबमिट हो पेमेंट सबमिट हो गला आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे ऑप्शन आसो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर रखने ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ अकाउंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट पोस्ट को आप कमी अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बतई सारी जदि आप मन में किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारतु ये भिडियो आपको भल लगी ये भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सेयार करूँ ए चैनल को सब्सक्राइब करा भूलुनि धन्यवाद।